मैंने बताया कि मैंने टी शर्ट प्रिंट करवाई है और भैया को थोड़ी जल्दी थी तो भैया मुझे ये पैकेट दे के चले गए। और आप भाई ये अपनी टी शर्ट है और पैकिंग देखो गाइस काफ़ी अच्छी। सो गाइस आज मैं वीडियो बनाने निकला हूँ और वो भी इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए टी शर्ट प्रिंट करवा लिया है और टी शर्ट मैंने प्रिंट करवाई है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसी के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। तो बने रहो मेरे साथ, शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होगे। और आप ठीक हो तो भाई मैं भी ठीक हूँ यार। तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, और मज़ा क्यों आ रहा है आपको नहीं पता ना गाइस, क्योंकि अच्छा वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल में देख के पता कर लिया होगा। तो भाई मैंने फाइनली अपने लिए टी शर्ट प्रिंट करवा ली है और जिसमें मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम होगा। ये बंदे थोड़ा हेजिटेट करते थे नाम पूछने के लिए कि मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है। तो मैंने सोचा यार उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इसलिए मैंने अपनी टी शर्ट प्रिंट करवा ली है जिसमें मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम प्रिंट होगा। तो अब लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है। यार जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना तो लोगों को नाम जानने की इच्छा होती है कि मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है। तो मैंने सोचा कि यार एक टी शर्ट प्रिंट करवाना अब जरूरी है। अब बात करते हैं भाई कि मैंने टी शर्ट ऑनलाइन प्रिंट करवाई है या ऑफलाइन प्रिंट करवाई है। तो गाइस मैंने ये टी शर्ट ऑनलाइन प्रिंट करवाई है। तो गाइस थोड़े दिन पहले मुझे एक ऑनलाइन साइट दिखी तो उसके प्राइस बहुत अच्छे थे। तो गाइस मैंने सोचा कि इस वाली साइट से एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं भाई। तो मैंने इस वेबसाइट से कांटेक्ट किया और जो इस वेबसाइट के जो ऑनर थे काफ़ी अच्छे लगे मुझे और उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से मुझसे बात की भाई, काफ़ी मुझे मज़ा आ गया। तो मुझे लगा कि यार इनसे ही मुझे अपनी टी शर्ट प्रिंट करवानी चाहिए। तो मैंने उनको काफ़ी सारे डिज़ाइन दिए तो जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया भाई। बेसिकली बड़ी बड़ी साइटें आती हैं वो आपको सजेस्ट नहीं करती हैं, उनको तो आप जो भी डिज़ाइन दोगे वो आपको प्रिंट करके दे देंगे, लेकिन ये आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं स्पेशली कि कौन सा प्रिंट अच्छा रहेगा गाइस और कौन सा नहीं। सो गाइस इस वेबसाइट का जो नाम है इंद्रजीत प्रिंट है और आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इनको आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इनको ऑर्डर दे सकते हो और जो भी आपका डिज़ाइन है वो आप उनको मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो गाइस। और आपको डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप उनको चेंजेस भी दे सकते हो, वो आपके पूरे चेंजेस करके दे देंगे। और आपको कुछ भी करेक्शन कराना हो, कभी भी करवाना हो तो आपको ये करके दे देते हैं भाई, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। करते प्राइस की बात तो मैंने कितने चार्ज दिए इनको, तो गाइस इनका जो सबसे लोएस्ट अमाउंट है वो 269 है जो कि आप वेबसाइट पर देख सकते हो। तो 269 में इनकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद भाई आपके डिज़ाइन के ऊपर है और आपकी चॉइस के ऊपर है भाई। काफ़ी अच्छे फैब्रिक है इनके पास जैसा कि मैंने बात किया और फैब्रिक में अभी देखूंगा जो अभी, क्योंकि मैं डिलीवरी लेने ही जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग कर लेता हूँ फिर डिलीवरी लेने जाऊँगा भाई, क्योंकि ब्लॉग करने का काफ़ी मन था मेरा ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक है आसपास के एरिया में तो इसलिए मैं दूर नहीं जा रहा यार। तो गाइस रेट तो मुझे बहुत नॉमिनल लगे, आई होप उनकी प्रिंटिंग भी अच्छी हो। और प्रिंटिंग कैसी है वो तो अभी हम देख के बताएंगे भाई, क्योंकि मैं डिलीवरी लेने जा ही रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी जो भैया देने आए हैं वो आसपास के लोकेशन में आए थे मेरे, तो मैंने उनको बोला कि मैं आसपास आ जाता हूँ और मैं अब मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा और मैं टी शर्ट वहाँ से पिक भी कर लूँगा भाई। थोड़ा सा इस रोड पर लाइटिंग इशू है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा फेस करना पड़ रहा होगा, लेकिन यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। अब भैया के पास चलते हैं, भैया ने जो लोकेशन दी थी अब वहीं जा रहा हूँ मैं। क्या हो गया अंकल को? मैंने बताया कि मैंने टी शर्ट प्रिंट करवाई है और भैया को थोड़ी जल्दी थी तो भैया मुझे ये पैकेट दे के चले गए और आप इनकी पैकिंग देख सकते हो क्या बढ़िया पैकिंग की है भाई। और ये इनका लोगो है इंद्रजीतप्रिंट.com जैसा कि आप देख रहे हो और ये इनकी स्लिप है और कोरियर से आया ना मेरे को ये, तो इसको थोड़ा सा फाड़ के देखते हैं भाई। तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको फाड़ने में, क्योंकि यार पहली बार अपनी टी शर्ट प्रिंट हुई है यार। यार थोड़ा सा कटर में धार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना तो फेस करना पड़ता है यूट्यूबर को, सब्र करो भाई, देख रहे हैं, रुक जाओ आने दो टी शर्ट को यार। तो भाई ये अपनी टी शर्ट है और पैकिंग देख रहे हो गाइस, काफ़ी अच्छी पैकिंग की है और देख सकते हो चारों तरफ से इतनी पैकिंग मतलब इतनी टेप लगा दी ना कि अभी जो पैकिंग है ना वाटरप्रूफ भी हो गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये ना। तो भाई ये हमारी टी शर्ट है,
और इसको निकालते हैं और देखते हैं कैसी कैसा प्रिंट हुआ होगा। तो गाइस टैंटडैन देखो गाइस, और यहाँ भी इन्होंने अपना लोगो दे रखा है। तो भाई इसको जल्दी से निकालते हैं भाई। तो भाई ये है हमारी टी शर्ट, देखो गाइस क्या बढ़िया लग रही है यार, बहुत ही अमेजिंग यार। तो भाई ये अपना लोगो हो गया वेला इंडियन, और नीचे देख रहे हो भाई क्या बढ़िया डिज़ाइन बनाया इन्होंने। ये मुझे खुद सजेस्ट किया था इन्होंने, और सोशल मीडिया के आइकन्स भी लगा रखे हैं इन्होंने, इंस्टा आईडी और फेसबुक की आईडी भी भाई आ रही है। और फैब्रिक तो काफ़ी अच्छा है भाई, और ये देखो गाइस ये भैया का ही काम है, भैया की क्रिएटिविटी है। मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने खुद मुझे सजेस्ट किया कि कैसा होना चाहिए प्रिंट, देख सकते हो गाइस। और फैब्रिक की बात करें तो ये फैब्रिक पॉलिस्टर है, और जो कि स्पोर्ट्स में अगर आप खेलने जाते हो, कूदने जाते हो, या इवन कहीं भी जाते हो तो ये फैब्रिक बहुत अच्छा रहने वाला है। और भैया ने जैसे बताया कि ये प्रिंट टी शर्ट फट जाएगी लेकिन कलर नहीं जाएगा, तो अच्छी बात है भाई, हमारे को ऐसी टी शर्ट चाहिए यार, बार बार रंग ना उड़े या कुछ भी कपड़े में कोई भी दिक्कत ना हो और डिज़ाइन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस मज़ा आ गया देख के ना, तो देख सकते हो गाइस। तो किसी को भी प्रिंट करवाना हो तो यहाँ वेबसाइट से ऑर्डर दे सकता है, और भैया का जो भैया की जो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और भैया का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइनली गाइस फ्रेंड के घर से निकल चुका हूँ, और आपने टी शर्ट देखा कि कितनी अच्छी प्रिंट की थी। आप में से किसी को भी टी शर्ट प्रिंट करवानी हो तो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आप भी ट्राई कर सकते हो गाइस। तो बाकी गाइस आपके ऊपर है। तो गाइस मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आई होप आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे टी शर्ट में सबसे अच्छा लगा कि उसका जो फैब्रिक है और उसका जो डिज़ाइन है जैसा भी मैंने चाहा था वो एच डी सेम का सेम उन्होंने बना के दिया। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी हैं जो आपको दिखाती कुछ और है और बनाती कुछ और है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक ट्रस्टेबल साइट मिल गई जिससे मैं आगे फ्यूचर में भी काम करवा सकता हूँ। indrajitprint.com को थैंक यू, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम दिया है मेरे को, और मैं काफ़ी खुश हूँ इस वाली वेबसाइट से। ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइटों में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चौसले होते हैं भाई, तो बड़ी साइटों से अच्छा आप छोटी वेबसाइट को भी ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे भी आप काम ले सकते हो। तो भाई से छोटा सा रॉन्ग टर्न लिया मैंने क्योंकि मेरा घर यहीं से आ जाता है इसलिए। तो गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो, और आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही है तो भाई उसको भी फॉलो कर लेना भाई। और वेबसाइट का जो पूरा लिंक है और पूरी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप नीचे भी देख सकते हो गाइस। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।